गाइस, कैसे हैं आप? शुक्रिया आप मेरे चैनल पे आए हैं। मुझे यकीन है कि आप ठीक ठाक हो। अगर मैं भी शुक्र है खुदावंद का, मैं भी ठीक ठाक हूँ। मैं आज आपको रेसिपी देने लगी हूँ गाजरों की, गाजर का मुरब्बे की। और ये देखें, 2 किलो गाजरें हैं, मैंने कट कर ली हैं ये सारी, और मैंने साफ करके ना अब इसे चढ़ाने लगी ऊपर चूल्हे पर। ये जब उबल जाएंगी थोड़ी सी, इसे ज़रा टाइम लगाना है, 5 मिनट ऊपर रखना है, तो फिर मैं आपको बताती हूँ। मैं रखने लगी हूँ जी। देखें अब ये बॉयल हो गई है, मैंने 5 मिनट ऊपर रखा है, इसका पानी मैंने निकाल दिया है। तो अभी ये चम्मच की मदद से ना छोटे छोटे ना इसमें कट लगा लिए। इसमें ना चाशनी का ये ना जो, इसके ऊपर अब थोड़ी सी मैंने चीनी डालनी है। देखें ये मैंने 4 गिलास डाल दिए हैं। ये आप स्टील का भी ले सकती हैं, घर पे जो कांच का भी होगा आप। 4 गिलास मैंने चाशनी डाली है इसमें चीनी, और चीनी के गिलास जो है ना आपने कटोरियाँ ले ले आप, या प्याली के साथ नाप लें। इसमें मैंने 3 डालनी है, 3 कटोरियाँ जी। तो आप देखें थोड़ी सी इसके ऊपर ना चीनी डालनी है। अब ना थोड़ी देर ढक देना, जो इसका थोड़ा सा पानी निकल जाएगा तो फिर हमने ना उसमें चाशनी में डाल देंगे, तो थोड़ा सा पकाना है इसे। अभी तैयार हो रही है, 2-4 इलायचियाँ आपने डालनी है पीस के, हल्की से ना से ऐसे करके ना हाथ से, तो बीच में डाल दें जी। देखें चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखें, ठीक है। अब इसमें ना तो आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये मैंने 3 डाले हैं मग। आप ऐसी ये कटोरी ले सकती हैं, मग की मदद से ना आप डाल सकती हैं इसमें, क्योंकि गाजरें नहीं अब जाने वाली हैं, तो इसलिए मैंने कहा चले मैं मुरब्बा डाल लूँ। ये आइस के लिए भी बड़ा अच्छा होता है, तो बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, तो बच्चों को आप ना, मैंने कहा चले बच्चों को खिलाना चाहिए ये गाजर, तो बहुत अच्छी होती है। तो अब मैं इसमें डालने लगी हूँ गाजरें। अब ना इसे पकाना है 10 मिनट आपने ना इसे उबाल, अच्छी तरह इसने जब हो जाएगा ना तो फिर ठंडा करके ना आप किसी जार में डाल सकती हैं जी। देखें अब ये बड़ा एक लेमन है, तो इसे ना डालना है इसमें कि ख़राब ना हो। जी अब तैयार हो चुका है, 10 मिनट इस पर इसे पकाया है। अब ठंडा करके ना तो किसी जार में आपके मुरब्बा तैयार हो चुका है। अब ये ठंडा हो गया ना, तो ये देखें ऐसे पकाना है आपने। जब ये चाशनी में ना पानी, और पानी इसका सूख जाएगा ना, गाजरों में जो पानी होगा खुशक हो जाएगा, तो फिर आपने उतारना है। ऐसे नहीं उतारना, फिर पानी होगा ना तो फिर आपका ये मुरब्बा ख़राब हो सकता है। तो अभी ये ठंडा हो गया ना तो फिर मैं जार में डालने लगी जी। तो आप देख सकते हैं गाजर का मुरब्बा तैयार हो चुका है। तो देखें अब ये देखें, बहुत अच्छा बना है, बहुत मज़ेदार बना है। मैं आपको खा के भी बताती हूँ, ये देखें बहुत अच्छा। तो घर पे आप बनाएं, ये रेसिपी बहुत अच्छी है, बच्चों को खिलाएं और बड़े मज़ेदार बना है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना, और अच्छे अच्छे मुझे कमेंट्स भेजा करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।